विकास जी, अखंड मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ परम ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल के राम श्री 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 सत्य अनंत माधव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं आपके चैनल के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मालिका ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि भारत का जो अंतिम शासक होगा वो एक योगी होगा, निसंतान होगा। इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, मालिका में हर चीज़ के बारे में, कोई हल्का नहीं, हर चीज़ के बारे में जो अभी इस समय के युग, क्योंकि जब प्रभु ने 600 साल पहले अच्युतानंद दास, जसवंत दास, बलराम दास, शिशुआनंद दास, जगन्नाथ दास को, इन सब को, पंच सखाओं को, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद देके इनसे, उस पर ब्रह्म ने इनकी कलम के द्वारा जब ये सब चीज़ें लिखी तो एक एक घटना के बारे में स्पष्ट तौर से लिखा था। सब घटनाएँ कुछ गुप्त हैं, कुछ धीरे धीरे भी लोगों को उजागर हो रही है। उसमें भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में, उस प्रधानमंत्री के समय में क्या क्या घटनाएं होंगी, वो भी स्पष्ट रूप से लिखा है। उनके बारे में लिखा है कि वो योगी स्वरूप में होगा, उसके कोई संतान नहीं होगी, और उसका चमकता हुआ और उनके बारे में लिखा है कि वो एकदम ईमानदार होगा, स्पष्टवादी होगा। तो इस तरह के जो लक्षण उनके बारे में लिखे हुए हैं अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में, और योगाचारी होगा ये भी लिखा है, जैसे कि उन्होंने योग को पूरे विश्व में फेमस कराया है, इवन एक इंटरनेशनल योगा डे भी डेवलप कराया है उन्होंने। तो वो सारे लक्षण जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं वो भविष्य मालिका से मिलते हुए हैं। इवन जो उड़ीसा के अभी करंट मुख्यमंत्री जी भी हैं, इनका भी वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ, और उड़ीसा के जो अभी आपके महाराज हैं उनका भी उसमें वर्णन है कि उस समय पे महाराज कौन होंगे उड़ीसा के, उन मुख्यमंत्री कौन होंगे और देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, वो भी लिखा है। वो तीनों चीज़ें मैच करती हैं, प्रधानमंत्री भी वही मैच कर रहे हैं, इस समय जो वहाँ के महाराज है वो भी मैच कर रहे हैं, और इस समय जो वहाँ के आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो भी मैच कर रहे हैं। तो सब चीज़ एकदम अलाइन मैच कर रही है। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि मोदी जी ही आपके प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। भारत के ही निवासी और काफ़ी मशहूर एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो अमेरिका के बोस्टन शहर में निवास करते हैं, उनका नाम है श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो श्री राव ने एक जो गणना की है वो ये गणना की है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसका जो नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। देखिए, वो उनकी गणना हो सकती है, उनकी गणना ऐसा नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी को मैं भी जानता हूँ, बोस्टन में रहते हैं, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड है, उनका इंटरेस्ट रहा बाद में एस्ट्रोलॉजी में, बाद में एस्ट्रोलॉजर बन गए। लेकिन मालिका में लिखा है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अपनी एस्ट्रोलॉजी देंगे उन सब की एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएंगी। ये मालिका में लिखा है कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी देंगे और अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गणना करेंगे, लेकिन कोई भी गणना मैच नहीं करेगी। उस समय पे जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। तो प्रभु जी जब चाहेंगे तब युद्ध करेंगे, जब चाहेंगे तब रोकेंगे। तो लेकिन उसमें अच्युतानंद जी ने भी स्पष्ट लिखा है कि मैंने जो लिखा वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, वो कोई बदल नहीं सकता। अगर इसको कोई बदल सकता है तो स्वयं परब्रह्म ही बदल सकता है। लिखने के बाद उन्होंने अंतिम लाइन में लिखी है ये बात, उनकी उन्होंने अपनी गणना के हिसाब से लिखा है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं और ये रहेंगे, और इन्हीं के नेतृत्व में ही पूरा विश्व युद्ध आई थिंक लड़ा जाएगा, और देखते हैं क्या होता है। नरसिम्हा राव जी की कैलकुलेशन, उनकी गणना है, और अच्युतानंद जी की, मैं तो अच्युतानंद जी में यकीन करता हूँ, भविष्य मालिका में यकीन करता हूँ। तो मैं तो भविष्य मालिका के हिसाब से यही बोलूँगा कि अंतिम जो प्रधानमंत्री है अभी देश के वो मोदी जी ही है, यही रहेंगे और यही नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध है अभी तो उसकी जैसे कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। दर्शक भी बार बार हम पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है भविष्य मालिका के नाम पर आप बहुत सारे झूठ फैला रहे हैं। आप विश्व युद्ध की जो स्थिति देख रहे हैं और भारत में जो ये अखाड़ा बनने वाला है, ये अगर सन के हिसाब से देखिए तो क्या ये 2023, 24 या 25 होगा? जी, मैं देखिए, जो लोगों की अपनी धारणाएं हैं वो उनकी धारणाएं हैं, कौन इस पे यकीन करेगा कौन नहीं करेगा, हर आदमी की अपनी अपनी धारणा हो सकती है। लेकिन जो भविष्य मालिका में जो घटनाएं अब तक लिखी हुई थी कि उड़ीसा के आखिरी महाराज कौन होंगे, उनके कोई संतान नहीं होगी, दो बेटियां होंगी, स्पष्ट अभी जो वहाँ के उड़ीसा के पुरी के महाराज हैं उनकी दो बेटियाँ हैं, उनके कोई संतान नहीं है, जो मालिका में लिखा एग्जैक्टली वही है।
अंतिम मुख्यमंत्री भी वही है जो उसमें लिखा है, अंतिम प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो लिखा है वो स्पष्ट है, उसमें लिखा कि तुर्की पाकिस्तान और चीन नेतृत्व करेगा। तो जिस हिसाब से तुर्की और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो एक स्पष्ट ये संकेत दे रहा कि जो मालिका में लिखा वो चीज़ें अक्षरशः होती जा रही है। क्योंकि देखो, हम जानबूझ के अपनी आँख बंद करके रखें तो फिर वो हमारी गलती है, हमने जानबूझ के ही अपनी आँख ही बंद करनी है तो फिर उसमें आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मालिका में लिखा है अगर उसको अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे अगर हम देखेंगे, उस नज़रिए से देखेंगे, तो स्पष्टतः जो मालिका में लिखा है वही चीज़ें अक्षरशः होती जा रही हैं। क्योंकि उसमें लिखा है तुर्की पाकिस्तान के साथ आएगा, तुर्की पाकिस्तान एक साथ हैं, आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। चाइना भी उनके साथ होगा, तो चाइना पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ हैं, तुर्की के साथ भी नज़दीकियाँ हैं। यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर अगर मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर कुछ होता तो वो चिल्ला के पड़ते हैं, लेकिन चाइना में उइगर्स के ऊपर इतना कुछ हो रहा है लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोलता। वहाँ तो उनको कंटेनमेंट जोन्स के अंदर रखा जा रहा है लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोलता चाइना के खिलाफ। तो स्पष्ट एक संकेत है कि वो अपनी एक धुरी बना रहे हैं, अपने आप को एक अपना एक सेफ्टी जोन्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपका तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो आप जानबूझ के अपनी आँख बंद रखना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन जो मालिका में लिखा है वो चीज़ें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। और जहाँ तक गणना की मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे जो पाकिस्तान के अभी करंट सिचुएशन है, अगर मैं अभी बात करूँ, भुखमरी की हालत है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके पास नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं नहीं, इंपोर्ट वो कर नहीं सकते, खरीदने के लिए वहाँ की जनता के पास पैसे नहीं है, बुरा हाल है। 500-500 रुपये किलो में एक एक 10-10 हज़ार का एक सिलेंडर मिल रहा है वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये सिचुएशन चलती रहे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान एक साल के लिए भी एग्जिस्ट कर पाएगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए तो पाकिस्तान के टुकड़े होना डेफिनेटली है। क्योंकि एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे तहरीक तालिबान TTP वो ऑलरेडी TTP खड़ी हो चुकी है, अगर वहाँ की सरकार नहीं संभालेगी तो वो संभालेंगे। तो पाकिस्तान के टुकड़े मुझे लग रहा है एक साल के अंदर मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी को दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं टाइमलाइन ही मान के चलता हूँ जब तक शनि कुंभ राशि में है इन 2-2.5 साल के अंदर, तो 23-24 के अंदर कभी भी पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं और कभी भी पाकिस्तान बिखर सकता है। भारत में जो सैन्य शासन लगाने की बात है, अभी तो इस तरह की स्थितियां ऐसी नहीं लग रही हैं कि इस तरह की स्थिति अचानक से उत्पन्न होगी और भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, यहाँ की आर्थिक दशा बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिस प्रकार से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो विदेशों में भारत की छवि को बना रहे हैं, विदेशों से संबंध जिस तरह से सुदृढ़ हो रहे हैं, उसको देख करके आपको लगता है कि क्या भारत बहुत ही जल्दी इस तरह की स्थिति में पहुंच जाएगा कि यहाँ सैन्य शासन लगाना पड़े? देखिए, भारत में जहाँ तक आर्थिक ताकत की बात है, आर्थिक शक्ति की बात है, आर्थिक शक्ति की वजह से कभी भारत में सैन्य शासन मुझे नहीं लगता लगेगा। क्योंकि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं बहुत हाई है, हर एक कंट्री के जितने होने चाहिए, आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पर होगा, जापान और चाइना और आई थिंक US के बाद, जिसके पास इतने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल है। तो आर्थिक शक्ति की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से मुझे नहीं लगता यहाँ पे कभी सैन्य शासन लगेगा। अगर कभी लगेगा सैन्य शासन तो वो लगेगा लो एंड ऑर्डर सेफ्टी के कंसर्न से लग सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में सिचुएशन किसी भी कंडीशन में ख़राब होती है तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि इंडिया, अगर वहाँ सिचुएशन इंस्टेबल होती है कि इंडिया स्टेबल रह जाएगा। अगर वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंस्टेबल होती है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पे इंडिया को कुछ ना कुछ करना पड़ जाए अपनी सेफ्टी कंसर्न को रखते हुए, क्योंकि वो एक एटॉमिक स्टेट है, हो सकता है वो एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक चीज़ कल टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में लग जाए, तो हो सकता है उस सब चीज़ों को कंसर्न करते हुए इंडिया को भी सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हो सकता है इमरजेंसी लगानी पड़े। क्योंकि मालिका में लिखा है इमरजेंसी लगेगी, मिलिट्री शासन लगेगा। तो आर्थिक इकोनॉमिक सिनेरियो से मुझे नहीं लगता, लेकिन सेफ्टी सिनेरियो से हो सकता है इमरजेंसी लगे, और मालिका में लिखा है तो लगेगी। गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ हो सकती है कुछ इंटरनल ग्रुप्स यहाँ पे अपना मुंह रेज करें, ऊपर को उठें। क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है जब उसकी सिचुएशन खराब होगी, भी जैसे चाइना की सिचुएशन खराब चल रही है, पाकिस्तान की सिचुएशन खराब चल रही है, अगर पाकिस्तान की सिचुएशन खराब होगी हो सकता है जो उसकी यहाँ पे जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनको वो उठाए, इंडिया को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश करे ताकि इंडिया उधर हाथ ना डाले। तो हो सकता है गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बन जाए, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पैसे की वजह से मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई तंगी आने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व रहा है अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक को देखें, आने वाले समय में भी उनका नेतृत्व इसी प्रकार रहेगा, अगर विश्व युद्ध जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो मोदी
प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को कैसे संभालेंगे? देखो जी, मोदी जी बहुत सुलझे हुए और बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं और उनके हाथ बहुत गहरे हैं, वो जितने दिखते हैं उससे ज़्यादा गहरे हैं। उनके विश्व के हर नेता के साथ अच्छे रिलेशन हैं, जितने मैंने अब तक उनका एनालाइज किया, जितना मैंने आज तक उनको समझाया देखा है, चाहे वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके साथ भी अच्छा डिप्लोमेटिक बैलेंस टाइज को डेवलप करके चलते हैं। वो अगर बाइडेन हैं तो बाइडेन जी के साथ भी उतना ही अपने हाथ को उतना ही बैलेंस करके चलते हैं, ना वो बाइडेन को नाराज़ करते हैं ना वो व्लादिमीर पुतिन को नाराज़ करते हैं, तो वो दोनों के साथ बहुत अच्छा बैलेंस करके चल रहे हैं, अभी तक तो बैलेंस करके चल रहे हैं। अब वो कितना बैलेंस कर पाएंगे वो देखते हैं, उनको डिप्लोमेटिक मिनट, उनके डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं, उनके कैपेसिटी के ऊपर है, वो कितना उसको कब तक मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर सिनेरियो कल सिचुएशन बदलती है तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ड्विंडल हो जाए, थोड़ी सी बदल जाए, थोड़ी सी झुक जाए एक साइड को, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब तक उनका जो एक्सपीरियंस रहा है एज फार एज डिप्लोमेटिक टाइज आर कंसर्न इज वेरी ग्रेट, वेरी गुड। हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाए उन्होंने और अच्छे से बैलेंस करके अब तक चले हैं वो। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आप क्या देखते हैं फिर? देखो 2024 के अभी तक भी मोदी थे, मुझे मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, कोई दूसरा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर गृह युद्ध जैसी स्थितियां खराब हो जाती हैं, देश में अराजकता आ जाती है, तो ऐसे में चुनाव कराना क्या आपको लगता है संभव हो पाएगा? देखिए वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन इंस्टेबल होती है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की सिचुएशन 2024 से पहले ही इंस्टेबल दिखाई दे रही है, एक साल के अंदर पाकिस्तान मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान में सिचुएशन इंस्टेबल होती है, जो कि मालिका में लिखा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान मालिका में स्पष्ट लिखा है कि पाकिस्तान भीख मांगेगा, वो झुकेगा, भारत से मदद की गुहार लगाएगा और झुकेगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, लिखा स्पष्ट लिखा है, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, क्लियर लिखा है उसके अंदर। तो ये सिचुएशन जो भी पाकिस्तान में दिखाई दे रही है वो कहीं कहीं उससे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं वो इंस्टेबल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन इंस्टेबल सिचुएशन में चुनाव कराना देश के लिए अच्छा होगा। एज ए बींग ए सिटीजन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और मोदी जी है, जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी का आज तक जो भी डिसीजन रहा है कंट्री के हित में रहा है, तो कंट्री के हित में जो भी डिसीजन वो लेंगे वो कभी झुकते नहीं, मैंने देखा है। अगर उनको लगेगा अभी चुनाव कराना ठीक है तो वो कराएंगे, और उनको नहीं लगेगा नहीं कराना ठीक है, देश के हित में नहीं है, तो वो नहीं कराएंगे।